Good evening guys, I hope you all are fine. So today I have come with a new video on part 5, Asian continent. As you know that we are continuing our world map series. We will complete this in few videos. So let's see how many topics which we have to cover today and which are those. These are the topics: Altai Mountains, Sayan Mountains, Verkhoyans Ranges and Lena River. So guys, we will have a quick revision of the things which we have done in the last video, only about the mountain ranges which are emerging from Pamir North, right? सी गाइज, हमने देखा कि ये है पामीर नॉट, जो कि सेंट्रल एशिया में लाया करता है एंड इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है बिकॉज ये लाया करता है हाई ऑल्टीट्यूड्स पर. एंड देन वी सी इसके ईस्ट में लाया करता है टकलामकान डेजर्ट, जहां से तारिम रिवर भी पास करती है, राइट. और इसके ऊपर लाया करते हैं तियन शान माउंटेन्स. एंड देन वी सी टकलामकान डेजर्ट के नीचे लाया करते हैं कुनलून शान माउंटेन्स, और कुनलून शान माउंटेन्स की ही एक्सटेंशन है ये वाले माउंटेन्स और इनका नाम है अलतून शान माउंटेन्स. हमने ये भी देखा था कि कुनलून शान माउंटेन्स और हिमालयन माउंटेन्स के बीच में एक प्लेट्यू लाया करता है और इसका नाम है तिब्बतन प्लेट्यू. एंड गाइज, इफ यू रिमेम्बर, हमने पढ़ा था यहाँ कराकोरम रेंजेस हैं जो कि चाइना में भी लाया करती हैं और इंडिया में भी लाया करती हैं, लेकिन जो चाइना में पार्ट लाया करता है कराकोरम रेंजेस का, वहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है तारिम रिवर. एंड देन वो पास करती है टकलामकान डेजर्ट से और यहाँ पे जाके वो वैनिश हो जाती है, लुप्त हो जाती है, किसी भी ओशियन में नहीं गिरती है. और ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और हमारी जैसे लूनी रिवर है इंडिया में जो थार डेजर्ट में लुप्त हो जाती है जाके, इसी तरीके से तारिम रिवर भी लुप्त हो जाती है. इट डजंट फ्लोज इन टू एनी ओशियन, दस इट डजंट मेक एनी डेल्टा और एस्चुरी. नाउ गाइज, वी सी द टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर. फर्स्ट इज अल्ताई माउंटेन्स, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सी गाइज, अल्ताई माउंटेन्स लाए करते हैं तियन शान माउंटेन्स के ऊपर. अभी हमने जो पढ़ा तियन शान माउंटेन्स, उसी के ऊपर एक माउंटेन रेंज लाई करती है जिसका नाम है अल्ताई माउंटेन्स, और ये मंगोलिया, चाइना, रशिया में लाए करते हैं, बट थोड़ा सा पार्ट टच करता है कजाकिस्तान कंट्री से भी. एंड ऑल्सो अल्ताई माउंटेन्स के नॉर्थ ईस्ट में लाया करता है कोब्डो प्लेट्यू. सो वील सी इट इन द मैप. सी दिस मैप गाइज, हे यू कैन सी दीज आर अल्ताई माउंटेन्स, और ये चार कंट्रीज के बॉर्डर को टच कर रहे हैं. दिस इज मंगोलिया, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट लाइज इन मंगोलिया, देन रशिया, एंड यू कैन सी दिस इज कजाकिस्तान कंट्री, एंड हेयर इज चाइना. सो दीज आर द फोर कंट्रीज इन विच अल्ताई माउंटेन्स लाए. और आप ये भी देख सकते हैं, दीज आर तियन शान माउंटेन्स. आई टोल्ड यू अल्ताई माउंटेन्स लाइज अबव तियन शान माउंटेन्स, यू कैन से नॉर्थ ईस्ट टू इट. एंड दिस इज तारिम बेसिन, दैट मीन्स टकलामकान डेजर्ट यहाँ लाया करता है, राइट. एंड दीज आर तियन शान माउंटेन्स, यहाँ पे कुनलून शान होंगे. दीज आर हिमालयन माउंटेन्स, दिस इज प्लेटी ऑफ तिब्बत, दिस इज पामीर नॉट. सो यू मस्ट नो द लोकेशन ऑफ दीज अल्ताई शान माउंटेन्स. सी इन दिस मैप गाइज, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दीज आर अल्ताई माउंटेन्स, राइट. एंड फोर कंट्रीज आर मंगोलिया, रशिया, चाइना एंड कजाकिस्तान. एंड गाइज, आई टोल्ड यू अल्ताई माउंटेन्स के नॉर्थ ईस्ट में लाया करता है कोब्डो प्लेट्यू. सो यहाँ पे कहीं लाया करता है कोब्डो प्लेट्यू विच लाइज इन मंगोलिया. सी दिस मैप गाइज, ये हैं अल्ताई माउंटेन्स, राइट, जो कि तियन शान माउंटेन्स के ऊपर लाया करते हैं. एंड देन वी सी कोब्डो प्लेट्यू, दिस इज कोब्डो प्लेट्यू जो अल्ताई माउंटेन्स के नॉर्थ ईस्ट में लाया करता है और लाया करता है मंगोलिया कंट्री में, राइट. और ये वो सारी चीजें हैं, ये टकलामकान डेजर्ट वी हैव सीन, राइट, एंड कुनलून शान माउंटेन्स, तियन शान माउंटेन्स, देन अल्तून शान माउंटेन्स विच आर एक्सटेंशन ऑफ कुनलून शान माउंटेन्स, एंड देन दीज आर पामीर नॉट्स, देन दिस इज कराकोरम रेंज, राइट, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, एंड दीज आर द हिमालयन माउंटेन्स, यू नो वेरी वेल. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स शान माउंटेन्स नाउ. सी गाइज, शान माउंटेन्स लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ रशिया एंड मंगोलिया. ज्यादा पार्ट इसका रशिया में लाई करता है, बट माइनर पार्ट ऑल्सो लाइज इन मंगोलिया, राइट. कोब्डो प्लेट्यू जो हमने अभी देखा, ये उसके ऊपर लाए करते हैं. सो लेट अस सी द लोकेशन इन द मैप. सी दिस मैप गाइज, एज यू कैन सी ये है पूरा रशिया, राइट, एंड दीज आर सयान माउंटेन्स. यू कैन सी द लोकेशन, सम पार्ट ऑफ इट लाइज इन मंगोलिया, दिस इज मंगोलिया कंट्री, और ये है रशिया. सो सम पार्ट ऑफ इट लाइज इन मंगोलिया ऑल्सो, बट मेजर पोर्शन रशिया में लाया करता है. एंड इफ यू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ कोब्डो प्लेट्यू, देन इट लाइज ओवर हियर. That means Sayan Mountain lies above Kobdo Plateau. Now guys, let us know about Lena River and then we will do Verkhoyans Ranges after this. Lena River originate होती है एक lake से. The name of the lake is Lake Baikal. And this lake lies completely in Russia. ये completely Russia में lie करता है. And this Lena River flows upwards in the north direction. And ये flow करती है Laptev Sea में. If you remember, we have done this Laptev Sea in first or second part of Asian continent, right? और ये बनाती है डेल्टा, और इसी के राइट में लाए करते हैं वर्खोयांस माउंटेन्स.
एंड ये लेना रिवर और वर्खोयांस माउंटेन्स दोनों ही कट करते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज आर्कटिक सर्कल को दोनों ही कट करते हैं. विल सी इट इन द मैप. सी दिस मैप गाइज, आप देख सकते हैं दिस इज मंगोलिया कंट्री और इसके ऊपर लाया करती है रशियन कंट्री, राइट. और ये है लेक बैकल जो कम्प्लीटली लाया करता है रशियन कंट्री में, और यहाँ से निकलती है लेना रिवर. सो यू कैन सी ये है लेना रिवर, ये निकलती है एंड देन इट गोज इन टू द नॉर्थ डायरेक्शन. दिस इज लेना रिवर, यू कैन सी राइट ओवर हेयर, राइट. और ये फ्लो करती है लापटेव सी में, ये है लापटेव सी और यहाँ पे ये बनाती है डेल्टा. दैट मीन्स ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है और मैंने आपको बोला कि ये 66.5 डिग्री को कट करती है. दैट मीन्स ओवर हेयर दिस लाइन यू कैन सी, ये वाला जो लैटिट्यूड है ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, दैट मीन्स आर्कटिक सर्कल, राइट. सो लेना रिवर पास कर रही है 66.5 डिग्री लैटिट्यूड से. सो अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू दैट लेना रिवर क्रिएट्स इज डेल्टा इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज. लाइक सी, यहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, लाइक ईस्ट साइबेरियन सी, दिस इज लापटेव सी, यहाँ पर कारा सी लाई करती है, राइट. सो द आंसर वुड बी लापटेव सी में ये लेना रिवर अपना डेल्टा बनाती है. एंड यू मस्ट नो लापटेव सी कौन से ओशियन का पार्ट है. सो इट इज पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन. नाउ गाइज, वर्खोयांस रेंजेस. वर्खोयांस रेंजेस आई टोल्ड यू इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ लेना रिवर. लेना रिवर के ईस्ट में लाए करते हैं और ये सेपरेट करते हैं सेंट्रल और ईस्टर्न साइबेरियन रीजन को और आर्कटिक सर्कल से ये पास करते हैं. सी दिस मैप गाइज, ये है वर्खोयांस रेंजेस एंड यू कैन सी दिस इज लेना रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लेक बैकल. दिस इज लेक बैकल एंड दिस इज लेना रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हेयर, राइट. एंड इट इज फ्लोइंग इन टू दिस लापटेव सी. एंड ये वर्खोयांस रेंजेस जो हैं ये सेपरेट कर रही हैं सेंट्रल साइबेरियन रीजन को ईस्टर्न साइबेरियन रीजन से. एंड यू कैन ऑल्सो सी 66.5 डिग्री लैटिट्यूड से पास कर रही हैं, दैट इज आर्कटिक सर्कल. एंड इट इज वेरी मच विजिबल कि ये लेना रिवर के ईस्ट में लाए कर रहे हैं, राइट. दिस इज लेना रिवर एंड वर्खोयांस रेंजेस लाइज टू द ईस्ट ऑफ दिस लेना रिवर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. सो गाइज, वी हैव कवर ऑल द टॉपिक, सल्ताय माउंटेन, शान माउंटेन्स, वर्खोयांस रेंजेस एंड लेना रिवर. And in this, we have also done Kobdo Plateau and Lake Baikal. So guys, this was for today and I hope you have liked the video. And if you like the content of my video, please like it, comment on it and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Have a nice day.